बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई गाइडलाइन जारी, जानिए क्या क्या हुए हैं बदलाव। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज का इस वीडियो में। बिहार में बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत अब शिक्षकों को अपनी वर्तमान पोस्टिंग और उनकी पसंदीदा पोस्टिंग के बीच की दूरी बतानी होगी। इसके बाद उन्हें ई शिक्षा पोर्टल पर सभी जानकारी भरनी होगी और अपना लिखित आवेदन स्कैन करके अपलोड करना होगा। गाइडलाइन के अनुसार आवेदन के साथ लिखित आवेदन का अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नई गाइडलाइन की बात करें तो ट्रांसफर के लिए शिक्षक को कुल 7 विकल्प देने होंगे, जिनके आधार पर उनका ट्रांसफर किया जाएगा। इन विकल्पों में ट्रांसफर के लिए विशेष कारणों की भी जगह होगी, जैसे कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान स्थान की दूरी, महिला शिक्षकों के लिए उनके पति की पोस्टिंग, गंभीर बीमारियों जैसे किडनी, हृदय या लीवर की समस्या, दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म, विधवा और परित्यक्ता के आधार पर ट्रांसफर किए जाएंगे। इन सभी आधारों पर ट्रांसफर के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और शिक्षा विभाग इन बिंदुओं पर विचार करके ट्रांसफर करेगा। इसके अलावा अब बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक भी ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए आवेदन प्रक्रिया में 3 विकल्प देने की आवश्यकता होगी। नई गाइडलाइन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि अब 10 अनुमंडल के विकल्पों को हटा दिया गया है। अब शिक्षक को ट्रांसफर के लिए अन्य विकल्पों में से चयन करना होगा। ये आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी और आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। जो शिक्षक पहले आवेदन कर चुके थे उनका आवेदन अब रद्द माना जाएगा। पहले 1,20,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया था, लेकिन अब नए प्रावधानों के तहत ये प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। इसका मतलब है कि जो शिक्षक पहले आवेदन कर चुके थे उन्हें अब फिर से नए नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया के तहत आवेदन करने वाले शिक्षकों को अपने वर्तमान स्थान और पसंदीदा स्थान के बीच की दूरी, विशेष परिस्थितियों जैसे बीमारी या पारिवारिक कारणों का उल्लेख करना जरूरी ही है। इसके साथ ही शिक्षकों को अपना लिखित आवेदन अपलोड करने की अनिवार्यता का पालन करना ही होगा। इस नई प्रक्रिया से ट्रांसफर के दौरान पारदर्शिता बनी रहेगी और शिक्षकों को आसानी से उनके स्थानांतरण में मदद मिलेगा। इस गाइडलाइन का उद्देश्य शिक्षकों के ट्रांसफर में पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखना है, ताकि जिनके पास विशेष कारण है उन्हें प्राथमिकता मिले। साथ ही ट्रांसफर की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और सरल बनाया जा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब ट्रांसफर के इस नए गाइडलाइन पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।